नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णयों का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय सुना दिया है। इंस्टाग्राम 30 अगस्त से इंस्टाग्राम स्टोरीज में से स्वाइप अप लिंक को हटा देगा। इस पॉपुलर स्वाइप अप फीचर को आमतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और कंपनियों को दिया जाता है, जिसे यूजर को सीधे अपने वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर लिया जाता है। गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि गोपाल मंडल के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कार्रवाई की मांग की थी। इस पर अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गोपाल मंडल के बयान हमारे संज्ञान में भी आया है, इस पर पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत यात्रा प्रतिबंधों का सामना करने वाले देश को बड़ी राहत दी है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ उनके देश में वैक्सीन की पूरी डोज लगवाने के बाद बाहर गए यात्रियों को सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जातीय जनगणना को लेकर जारी सियासत के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ताजा बयान सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। लालू ने कहा कि जब मैं सांसद था उस वक्त दूसरे साथियों के साथ सरकार से इस मसले पर मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का अस्थि विसर्जन नारोरा के साथ ही काशी की गंगा और अयोध्या के सरयू नदी में किया जाएगा। फूल अस्थियों को 27 अगस्त को बुलंदशहर के नरोरा में बसी घाट अंत्येष्टि स्थल में चुना गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की आज जयंती है। जयंती के मौके पर बीपी मंडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में स्वर्गीय बीपी मंडल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को कोरोना काल में बंद हो चुकी बेस्ट ऐप यानी कि बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग से स्कूलों का अनुश्रवण फिर से आरंभ करने का निर्देश दिया है। द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने कहा है कि शनिवार और रविवार को तेजस एक्सप्रेस लेट हो गई थी, इसलिए 2035 यात्रियों को लगभग 4.5 लाख मुआवजे की राशि दी जाएगी। बता दें कि शनिवार को भारी बारिश की वजह से सिग्नल फेल हो गया था और ट्रेन 2 घंटे की देरी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। बीएसएफ गुवाहाटी फ्रंटियर की स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की मदद की, जिन्हें भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी बदमाशों ने घेर लिया था। दूसरी तरफ से आवाज सुनी गई, बंधु बचाओ। इसके बाद अलर्ट पार्टी ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और 3 बांग्लादेशी जवानों को देखा, जिन्हें बदमाशों ने घेर लिया था। केंद्र ने सितंबर में समाप्त होने वाले विपणन वर्ष 2020-21 में अब तक रिकॉर्ड 873.68 लाख टन धान की खरीद की है। इसके लिए करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में खरीद के उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए धान खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुकी है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी नॉर्टन लाइफलॉक ने उपभोक्ताओं के घर पर रहते हुए ऑनलाइन व्यवहार की समीक्षा के लिए एक नया वैश्विक अध्ययन किया है। अध्ययन के भारतीय खंड में मिले निष्कर्षों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल हर 3 में से 2 भारतीय यानी कि 66% ने कहा है कि वो महामारी की वजह से ऑनलाइन रहने की आदत के शिकार हो गए हैं। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन देने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिकों ने एमआरएनए तकनीक पर वैक्सीन को तैयार कर लिया है। इस वैक्सीन को जानवरों में परीक्षण के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया था। अफगानिस्तान से कल दिल्ली लाए गए 78 लोगों में से 16 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन 16 लोगों में वो 3 अफगान सिख भी शामिल है जो गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लेकर पहुंचे थे। वायुसेना के एक विशेष विमान से सोमवार को इन लोगों को काबुल से तजाकिस्तान के दुशांबे ले जाया गया था। आज से ठीक 50 साल पहले भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में तीसरे अंतिम टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ब्लाइटी में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की थी। जीत के साथ ही विदेशों में एक शानदार सीजन का अंत हुआ था, जिसमें भारत ने फरवरी अप्रैल के बीच करेबियन में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। उसके बाद जुलाई अगस्त में इंग्लैंड में जीत दर्ज की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े अंतर मंत्रालयों मामलों के समाधान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर समिति की 9वें समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। विभिन्न मंत्रालयों के स्तर से लंबित एनओसी की कार्रवाई शीघ्रता से पूरी करने का उन्होंने निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड़ कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि एक जिला एक उत्पाद के निर्यात को बढ़ाए जाने के लिए बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। सीतारमण ने कहा कि यहां सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक प्रमुख के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही गई है। पत्रिका लैसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें अनुसंधानकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय दल ने 184 देशों में 3 से अधिक दशकों में 30 से 79 वर्ष की आयु वाले 10 करोड़ से अधिक लोगों के रक्तचाप का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया है कि 1990 में 30 करोड़ 31 लाख महिलाएं और 30 करोड़ 17 लाख पुरुष उच्च रक्तचाप के मरीज थे। कनाडा को अफगानिस्तान में अपने सैन्य कर्मियों को रखना है, इसकी घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को की है। इस बाबत ट्रूडो ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए हमारी प्रतिबद्धता समाप्त नहीं होती है, जब यह मौजूदा चरण है यह वर्तमान समय सीमा है। केन्या में नैरोबी में हुए विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद स्वदेश लौटे भारतीय एथलीटों से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मुलाकात की। ज्ञात हो इस चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत से परेशान आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में तेल के दाम कम हो सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उक्त बातें कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाहन विनिर्माण से जुड़े मूल्य श्रृंखला के लिए समग्र उपाय किए जा रहे हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को उसके 61वें वार्षिक सम्मेलन के मौके पर बुधवार को संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के लक्ष्य को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर तक सभी शिक्षकों का टीकाकरण कर लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सभी स्कूल शिक्षकों का टीकाकरण 5 सितंबर तक करवा ले। इस योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के तहत चिन्हित प्रदेश के 10 जनपदों में 20 लाख बहनों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाते के लिए 8.5% ब्याज की रकम के बराबर निधि जारी कर दी है। अगर आपने पीएफ खाते से जुड़ा ये काम नहीं किया है तो हो सकता है खाते में आने वाली ब्याज की रकम आपको नहीं मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने जो निधि पीएफ खाते के लिए ब्याज के तौर पर जारी की थी वो इस महीने खातों में जमा हो सकती है। अफगानिस्तान में जारी गतिरोध के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा। वहीं तालिबान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इस डेडलाइन से एक भी दिन ज्यादा अफगानिस्तान में ना रुके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुख से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के साथ ही बैंकों को हुए नुकसान के उबारने के लिए सरकारी बैंकों की तरफ से उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा भी की है। काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा करने वाले तालिबान ने लोगों को चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा है कि अब वो किसी भी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अब किसी भी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। WHO ने भारत में COVID-19 के हमेशा रहने की चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि भारत में लोगों को COVID-19 के साथ ही जीना पड़े। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मोटिव यूट्यूब, पिंटू कुमार, राजेश कुमार, रजनीश कुमार, मोहम्मद मोसिये हुसैन, रजनीश सिंह, यादव रवि, राजेश कुमार, मोहम्मद साहिल, आनंद कुमार, दिवेश कुमार, रिया वर्मा, ज्योति कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम का अब तक का सबसे सफल कप्तान कौन रहा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।